तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बबीता जी, वैसे मेरे सुंदर वीरा का तो ऐसा है ना कि जहाँ पर पैर रखेगा ना वहाँ पर रास्ता बन जाएगा। बिल्कुल सही कहा बेना। सुंदर भाई पक्कू हाँ तमारा शॉप ना ओपनिंग मा हमें बड़ा अमदाबाद आउशु। हाँ और खूब मिठाई खाएंगे। अरे पाकू पाकू मैं अभी से सब गोकुलधाम वासियों को आमंत्रित कर देता हूँ। उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं माय डियर जीजा जी को सौंप रहा हूँ। माय डियर जीजा जी उद्घाटन के दिन पूरे गोकुलधाम वासियों को अहमदाबाद लाने की जिम्मेदारी आपकी। वाह दुकान तेरी उद्घाटन तेरा और सबको मुंबई से अहमदाबाद लाऊं मैं। वाह वाह बेटा वाह बच्चा। हाँ जरूर जरूर। अरे भाई तू उद्घाटन की तारीख तो नक्की कर। गोकुलधाम क्या पूरे मुंबई को लेके आऊंगा। पर सुंदर भाई तुम्हारी शॉप में ओपनिंग छह क्या रे? वो क्या है कि माँ अभी हरिद्वार गई है तो माँ के आते ही तारीख निकलवा के मैं आप सब लोगों को बोल दूंगा। भाई सुंदरलाल मुझे उद्घाटन की तारीख पहले से बता देना क्योंकि उस दिन हमारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में मैं तुम्हारी दुकान का फुल पेज विज्ञापन छापूंगा। ओहो क्या और वो भी अपनी तरफ से। लेकिन पोपटलाल दुकान तो अहमदाबाद में खुल रही है तो तूफान एक्सप्रेस में विज्ञापन देके क्या फायदा? मतलब पढ़ेगा कौन? क्या मतलब क्या भाई तुम्हारा? मैंने बताया ना तूफान एक्सप्रेस अंतर्राष्ट्रीय अखबार है। भारत के हर मुख्य शहर से निकलता है अहमदाबाद से भी निकलता है। अरे भाई पोपटलाल बिड़े मास्टर मजाक कर रहा है भाई। नहीं मैं तो सीरियसली बोल रहा हूँ। तो बसा ना। हाँ 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 पोपट भाई तूफान एक्सप्रेस में तो विज्ञापन आना ही चाहिए। अरे भाई सुंदर तू अहमदाबाद से आया है थक गया होगा। चल अभी घर चल चाय नाश्ता कर ले चल। फ्रेंड्स मैं क्रिकेट किट लेके आता हूँ। ऑल द बेस्ट बस के ऑल द बेस्ट। 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 चलिए सुंदर मामा अब हम मैच खेलने जा रहे हैं। हां ए जाओ बांजे जीत के आना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सुंदर मामा। सुंदर मामा सुबह सुबह आपके विशेष मिल गए ना तो सामने कोई भी टीम आ जाए हम जीत के आएंगे। एक बार फिर से बताए अब मुझे भी ऑफिस आना है चलता हूँ है जेठालाल। अरे okay. मेहता साहब एक दो मिनट रुको ना जरा काम है थोड़ा। क्या अरे सुंदर पक्का भाई भैलू भाई आप लोग चलिए घर पर आइए मैं चाय नाश्ते की तैयारी करती हूँ। hey, हाँ? एक दो मिनट में जरा टैक्सी का भाड़ा लेकर आया। ठीक है आइए जल्दी और घर पर आइए। देखना मेहता साहब कुछ भी बहाना बना के टैक्सी के पैसे मुझसे दिलवाएगा। आ रहा है देखो आ रहा इधर आ रहा। माय डियर जीजा जी आप ये सोच रहे हो ना कि मैं आपसे टैक्सी का भाड़ा मांगूंगा लेकिन आप गलत सोच रहे हो। आज आप भाड़ा देने की जिद भी करोगे ना तो भी मैं आपसे भाड़ा नहीं लूंगा। ओके तुम हम कहीं अपने साले पे शक करते हो भाई देखो ना खुद दे रहा है पैसे। ये लो भाई तुम्हारा टैक्सी का भाड़ा। अभी कैश लेना बंद कर दिया सुंदर भाई। पर मेरे पास अभी चेकबुक नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड भी पड़ा हो तो दे दो मेरे पास कार्ड स्वाइप करने का मशीन पड़ा है। हाँ वो भी अच्छा है मेरे पास क्रेडिट कार्ड है क्या रोकड़े भी बच जाएंगे बाजार में मुझे काम लगेंगे। क्रेडिट कार्ड का यार क्रेडिट कार्ड तो मैं अहमदाबाद ही भूल गया। ए बका तेरे पास क्रेडिट कार्ड है? हाँ है ना सुंदर भाई। हाँ चला दे लेकिन मेरा कार्ड तो बैंक वालों ने बंद कर दिया है। भाई लो मैं जब भी बैंक जाता हूँ क्रेडिट कार्ड लेने उन लोग राशन कार्ड मांगते हैं। और सुंदर भाई आपको तो पता है मेरा राशन कार्ड सरकार ने जब्त कर लिया है। क्यों बताना जरूरी है? एक मिनट दे देता हूँ एक मिनट। माय डियर जीजा जी हाँ एक मिनट आइए ना। अरे आइए ना काम है एक मिनट के लिए आइए। क्या हुआ क्या? अरे
बताता हूँ जीजा जी, इधर आओ ना जरा एक मिनट। आइए माता सर। मैं क्या करूँगा भाई? अरे चलो भाई, साथ में रहोगे तो जरा हिम्मत रहेगी। पर आइए आइए जीजा जी। वो आपके पास कार्ड है? विजिटिंग कार्ड? नहीं नहीं जीजा जी, विजिटिंग कार्ड नहीं, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड है आपके पास? क्यों? क्या है जीजा जी के, अभी अभी पता चला कि ये टैक्सी वाला है वो कैशलेस हो गया है, तो बोल रहा है कार्ड से ही पेमेंट करो। मेरा पास कार्ड है लेकिन क्या है, तो वो अहमदाबाद रह गया है। आप एक काम करो ना, अभी अभी आपके कार्ड से पेमेंट कर दो, मैं आपको बाद में दे देता हूँ। भाई सुंदर लाल, घर से जब भी बाहर निकलो कार्ड साथ लेके निकलना चाहिए, ताकि पैसे के लेन देन में आसानी रहे और यूं किसी से मांगना नहीं पड़े। आपकी बात सही है मेहता साहब, वो कहे कि मैंने कार्ड निकलवा के ही रखा है, पर कहे कि अभी मैं भूल गया हूँ। तो जीजा जी जरा। ए सुंदर, चलो चलो, ये कितनी देर? चलो चलो बहनों, पक्का चलो चलो फटाफट, चलो आज बहुत सारा काम है, जल्दी जल्दी करो, चलो फटाफट नाश्ता करके बाहर जाना है। हाँ भाई, कितना हुआ? 20,000। 20,000? अहमदाबाद से मुंबई आने का 20,000 थोड़ी होता है। अहमदाबाद से यहाँ तक आने का 12,000। और इससे पहले अंबाजी गए थे, उसके 8,000 बाकी है, हुए ना 20,000। बोलो। सॉरी। देखा मेहता सर, और आप कह रहे थे मैं खामा का उस पर शक कर रहा हूँ, अभी तो सिर्फ 20,000 का चूना लगा है, ये दुकान खोलने के बहाने पता नहीं और कितने पैसे हटेगा मुझसे। जेठालाल, ये तो दिस इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज, तुम्हें तो उसे दुकान खोलने में मदद करनी चाहिए। मेहता साहब क्या बोल रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ जेठालाल, देखो अगर तुम उसे दुकान खुलवाओगे तो बिजी हो जाएगा, बिजी हो जाएगा तो तुम्हें परेशान करने आएगा ही नहीं, क्योंकि उसे अहमदाबाद से मुंबई आने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी भाई। अगर ऐसा हुआ तो मेहता साहब आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दुकान चलाना बच्चों का खेल नहीं है मेहता साहब, और ये दया और सुंदर के खानदान में किसी ने आज तक दुकान नहीं खोली। मुझे तो ऐसा लगता है कि बचपन में इसने वो व्यापार नाम का खेल आता ना, वो भी नहीं खेला होगा। अरे जेठालाल, दुकान नहीं खोली मान, लेकिन हर व्यक्ति कभी ना कभी जीवन में शुरुआत करता ही है ना भाई, अब दुकान खोल लेगा, और तुम्हें तो अनुभव है ना, तो तुम्हें उसे गाइड करना चाहिए। अरे भाई ये साइड में ही ठीक है, इसको गाइड नहीं कर सकते, अगर मैं उसको इतनी सी भी उंगली दूंगा ना, वो मेरा पूरा हाथ खींच लेगा। मुझे पूरा यकीन है मेहता साहब, ये जो नई दुकान खोलने वाला है ना, उसमें पूरा माल वो मेरे नाम पे उधारी में लेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जेठालाल। अरे कुछ नहीं होगा क्या मेहता साहब, हुआ है। कल रात को? रात को? पूरी रात सपने में कितने व्यापारी आए पैसे वसूलने। अरे जेठालाल, तुमने ये बात अपने दिमाग में इस तरह बिठा लिया कि तुम कुछ और सोच ही नहीं पा रहे। अरे इस तरह से नकारात्मक मत सोचो, अपना मूड ठीक करो, अभी जाओ घर पे जाओ, और मुझे भी ऑफिस जाना है, मैं जल्दी में हूँ, बाद में मिलते हैं, आराम से बात करते हैं, ठीक है? ठीक ठीक है, मिलते हैं। बेटा सुंदर, कोई बात नहीं, पहली बाजी भले तू जीता, लेकिन मैं वादा करता हूँ दूसरी बाजी तो मैं ही जीतूंगा। ओ, बात ये है बापूजी, कि मैं नई दुकान खोल रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि सब माल सामान कपड़ा लेता मुंबई आके ही ले लेता हूँ, और यहाँ आ ही रहा हूँ तो सोचा कि आपके और माय डियर जीजा जी के दर्शन भी कर लूँ और आशीर्वाद भी ले लूँ। टप्पू के पापा, अभी आप ही की बात कर रहे थे, मेरा वीरा तो आपको पता है मेरा वीरा कितना मानता है आपको। हाँ सुंदर भाई तो पूरा दिन जीजा जी के नाम की माला जपते रहते है। अरे हाँ माय डियर जीजा जी, अरे कल की ही बात है, कल मैं एक दुकान से माल खरीदने गया, माल खरीदने के बाद दुकानदार ने मुझे पूछा कि बिल में किसका नाम लिखूं, तो बस मेरे मुसाब का ही नाम निकल गया। अरे नहीं माय डियर जीजा जी, मैंने बिल पे आपका नाम नहीं लिखवाया, बिल पे मैंने मेरा ही नाम लिखवाया है। भीरा, तुम्हारे जीजा जी का ही नाम लिखवाना चाहिए था, जब उनके दिल पर तुम्हारा नाम लिखा है तो तुम्हारे बिल पर इनका नाम तो लिखवाना ही चाहिए ना। वाह वाह बेटा, क्या बात कही, अब से मैं वैसा ही करूंगा। हाँ वैसा भी हमारा रिश्ता तो बिल का ही है ना। हाँ दिल 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 का ही है ना। माय डियर जीजा जी, आप बहुत ही नटखट हो,
बाबूजी सबसे पहले काम की बात। बाबूजी मैंने सोचा सबसे पहले आपके शुभ हाथों से काम शुरू करूं। ये लीजिए, ये है दुकान के उद्घाटन की आमंत्रण पत्रिका। अरे वाह, जरा देखो तो। वाह वीरा। लेकिन सुंदर बेटा, अभी तो उद्घाटन की तारीख भी तय नहीं है और तूने कार्ड छपवा लिया। तारीख का क्या है, तारीख तो तय हो जाएगी और जैसी तारीख तय हो जाएगी मैं आप सबको फोन करके बता दूंगा। पर यहाँ आ ही रहा था तो सोचा हाथों हाथ आप लोगों को कार्ड दे ही दूं। अच्छा क्या, फोन पे तो कार्ड नहीं बांट सकते है ना। और हाँ बेना, तुझे पता है दुकान कहाँ ली है? पान कोरना के। पान कोरना के वीरा, आपको पता है क्या इलाका है? मोकानी जगिया। अरे एक तो मोकानी जगिया। अरे फेरनो ना नहीं, नागनो ना। मोकानी जगिया मस्त है। वाह वाह वीरा। और बाबूजी ये लीजिए, ये विजिटिंग कार्ड भी छपवा दिए। सुंदरलाल बाबा सूट बेबी सूट वाले। विजिटिंग कार्ड भी छपवा लिए? दुकान का नाम कल रात को ही तय हुआ, एक रात में तूने विजिटिंग कार्ड भी छपवा लिए? जीजा जी, विजिटिंग कार्ड क्या, सुंदर भाई चाहे ना तो रातों रात आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड कुछ भी छपवा सकते है। आज नहीं। हाँ बस भाई, आज के लिए बहुत हो गया। अब अरे सुंदर के लिए तूने इतनी सारी वांगी बनाई है तो खिलानी नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं, उसके लिए ही तो बनाई है। हाँ तो फिर खिला खिला भाई सुंदर, तेरी बहना ने तेरे लिए एक से एक जात जात की भात भात की वांगी बनाई है। तुम लोग नाश्ता करो, मैं दुकान जाता हूँ। चलिए सब साथ में नाश्ता करते हैं। नहीं नहीं, वो वीरा, वो टप्पू के पापा ने कुछ नहीं खाया। अच्छा तो आप मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? चलो 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 सब लोग साथ में नाश्ता करते हैं। चलो। नहीं नहीं वीरा, वो कुछ नहीं खा सकते। क्यों, क्या हुआ? वो बात यह कि इनके पेट में गड़बड़ है। गड़बड़ है? हाँ। तो बोलते क्यों नहीं, सुंदर के पास हर मर्ज की दवा है। बका बका, वो पुड़िया निकाल दो। कौन सी? वो मेरे फूफा के लिए लाए वो। और कौन सी पुड़ी है तेरे पास? एक नंबर नो डायो। कितनी देर लगाएगा, उतनी देर में तो जीजाजी का पेट साफ हो जाएगा। जीजाजी इसको पानी के साथ फाकड़ा मार लेना, सब एकदम ठीक। एक मिनट, ये क्या है? क्या ये महा उत्पाद शामक चूर्ण? क्या, कौन सा चूर्ण? महा उत्पाद शामक चूर्ण, हमारे वहाँ के वैद्य जटा शंकर ठाकर बनाते हैं। और ये बका जब भी मुंबई आता है तो अपने फूफा के लिए 5-10 पुड़िया लेके ही आता है। ये चूर्ण पानी के साथ खा लीजिए, सारी गड़बड़ गायब हो जाएगी। नहीं नहीं, चूर्ण खाना पड़े इतनी मेरे को गड़बड़ नहीं है। चलो माय डियर जीजा जी, खास तकलीफ हो या ना हो, चूर्ण खाने में क्या तकलीफ है? और ये तो आयुर्वेदिक है, एकदम निर्दोष, कोई आड़ असर नहीं है इसकी। तो खा लीजिए ना टप्पू के पापा, आपके अच्छे के लिए तो कह रहे हैं सुंदर वीरा। तू तो ऐसे आग्रह कर रही है जैसे ये चूर्ण नहीं रसगुल्ला हो। अरे माय डियर जीजा जी, रसगुल्ला समझ के ही खा लीजिए। लीजिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे झिकिया खा ले भाई। अरे सुंदर सही कह रहा है, ये आयुर्वेदिक है, इसकी आड़ असर नहीं होती। लेकिन बापूजी। अरे क्या बापूजी? अरे खा ले, तुझे ठीक हो जाएगा। हाँ ये लीजिए पानी, खा लीजिए चूरन। हाँ खा लीजिए जीजा जी, खा लीजिए। हाँ जीजा जी खा लीजिए। नहीं खा सकता। छे भाई, मुझे चूरन तो वो गुनगुने पानी के साथ लेते हैं ना, इसलिए मैंने बोला नहीं खा सकता। अरे तो गुनगुने पानी के साथ ले ले। हाँ गुनगुना पानी तैयार ही है, मैं अभी लेके आती हूँ। गुनगुना पानी तैयार है? हाँ, वो क्या है, बापूजी अवर नवर गुनगुना पानी पीते हैं तो मैं थर्मोस में भर के तैयार ही रखती हूँ। आप रुकिए, मैं
अभी लेके आई। नहीं नहीं काम कर, काम तू इन लोगों को नाश्ता दे, मैं किचन में जाके ले लेता। देखिए वो गैस के बाजू में ही था हमारा। ठीक है, आइए आइए बाबूजी, आओ 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 गया चूरन पानी में, बेसिन का पेट साफ हो जाएगा आज। मेरा खाने ले ले। अरे बेरा नहीं नहीं बेरा बस। अरे क्या नहीं नहीं। भैलू को देना, भैलू ना कुछ नहीं नहीं। वो बेरा देना, भैलू को देना। भैलू पहले तुम ये। अरे बेरा तुम देंगे। अरे मैं ये लेते नहीं। हाँ। आप कहाँ जा रहे हो? दुकान। आपने चूरन खा लिए? हाँ। इतनी जल्दी? चूरन में क्या ऐसा खाया और पानी पी लिया। हाँ तो फिर आइए ना, हमारे साथ बैठ के नाश्ता कीजिए ना, आइए। अरे बोला ना भाई पेट में गड़बड़ है। अरे माय डियर जीजा जी, आपने चूरन खाया ना, दो मिनट में सारी गड़बड़ गायब हो जाएगी। आइए बैठिए बैठिए। नाश्ते के लिए इतना आग्रह कर रहा है, नक्की बड़ी टोपी पहनाना चाहता है ये मुझे। अरे सोच क्या रहे हो माय डियर जीजा जी, आइए ना नाश्ता कीजिए। नहीं नहीं तुम लोग करो, मुझे दुकान जाना है। टोपू के पापा वीरा इतना प्यार से कह रहा है, बोले आप नाश्ता ना करो पर पाँच मिनट जरा बैठिए ना। अरे दया मुझे कब का दुकान जाना था, लेकिन सुंदर आया तो तब से मैं रुका हुआ ही हूँ ना, और ज्यादा नहीं रुक सकता, दुकान में बहुत काम है मुझे। चलो बाबूजी, जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। एक मिनट मारिए जीजा जी, मैं आपके लिए एक खास चीज अहमदाबाद से लाया हूँ, अहमदाबाद के कंदोई का मोहन थाल। कंदोई का मोहन थाल, वाह। और एक पैकेट नटू काका और बागा के लिए भी लेके आया हूँ, आप उनको दे देना। बका भैलू, ये बैग के अंदर मिठाई के बॉक्स की थैली थी, वो कहाँ है? वो थैली तो मैंने बैग में ही रखे थे सुंदर भाई। अरे नहीं है इसके अंदर। अरे उसी में है सुंदर भाई। अरे भैलो नहीं है इसके अंदर। तो अहमदाबाद रह गई। हे भगवान, क्या हुआ वीरा? हुआ क्या? अरे बेना, दुकान का सामान खरीदने के लिए मैंने 2 लाख रुपए का कवर बना के वो मिठाई की थैली के अंदर रखा था अपने हाथों से। और ये बंदे नमूने वो थैली ही अहमदाबाद छोड़ के आ गए। लाया लाया बापू लाया, मुझे पहनाने के लिए निकाली 2 लाख की बड़ी टॉप। हे भगवान, अरे कितनी बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने। बेना आप पूरा वगैरह सर के न चवा। देखो तुम एकदम शांत हो जाओ और फिर पीछे जाओ, फिर याद करो कि कवर तुमने बैग में कहाँ रखा था। ये बैग में ही कवर होगा, देखो जरा। नहीं नहीं 100% बैग में नहीं होगी। हाँ बेना, इसके अंदर कवर नहीं होगा, मुझे पक्का याद है, वो 2 लाख का कवर मैंने मिठाई की बॉक्स की थैली के अंदर रखा था और इसमें वो थैली है ही नहीं। अरे वीरा कोई बात नहीं, होते है कभी कभी, इतना दुखी मत हो। नहीं 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 बेना, मैं पैसों के लिए दुखी नहीं हो रहा हूँ, मुझे पता है पैसों का सेटिंग तो माय डियर जीजा जी कर ही देंगे। जो? लेकिन मैं दुखी इस बात से हूँ कि कंदोए का मोहन थाल मुंबई में कहाँ मिलेगा, और वो स्पेशल में माय डियर जीजा जी के लिए लेके आया था। बेटा कोई बात नहीं सुंदर बेटा, तो आते रहता है ना, फिर कभी सही। पर बाबूजी मूड ऑफ कर दिया, इन दोनों नंग रहे। चलो मैं चलता हूँ बाबूजी। एक मिनट जीजा जी, जो दुकान का सामान खरीदने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए उसका बंदोबस्त तो आप कर दोगे ना? सिर्फ एक दिन के लिए, वो पैसा तो अहमदाबाद में पड़े ही है, मैं अहमदाबाद पहुँचते ही आपको भिजवा दूंगा मोहन थाल के पैकेट के साथ। ठीक है तो दुकान ना करता हूँ कुछ। थैंक यू माय डियर जीजा जी, अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। अरे मैं भी कई बार यही सोचता हूँ, तू नहीं होता तो
चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। आ तू दुकान ना। ओके ओके माय डियर जीजा जी, आई लव यू। चलो जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र जीजा जी, जय जय। चल ये तो नाश्ता कर ले, वो बाद में मैं कर लूंगी। सुंदर भाई ने कहा कि अभी मेरे खाते में लिख देना, मैं अहमदाबाद पहुंचते ही सेठ जी को पैसे भिजवा दूंगा। अभी एक काम करो, 6,000 रुपए निकाल के रखो, मैं ऊपर आके ले जाता हूँ। थैंक यू भाई। सर थैंक यू से कम नहीं चलता बॉस, पैसा अलवा पड़ा। अरे पैसा तो सुंदर ने दिया ना। किसने बोला? आपने इससे जो पैसे लिए वो उसे आप वापस कर दीजिए। लाइए जीजा जी, आपने मुझसे जो 5,000 रुपए लिए हैं वो मुझे दे दीजिए, मुझे अहमदाबाद जाने के लिए लेट हो रहा है। माय डियर जीजा जी, आपके पास कार्ड है? क्यों? मेरा पास कार्ड है लेकिन क्या वो अहमदाबाद रह गया है। अभी आपके कार्ड से पेमेंट कर दो, मैं आपको बाद में दे देता हूँ। तू हर बार इसी तरह मुझे झांसे देता रहा है सुंदर, लेकिन अब नहीं, इस बार मैं तेरे झांसे में आने वाला नहीं हूँ। इस बार मैं ऐसी गुगली फेंकूंगा कि तू भौचक का ना हो जाए तो मेरा नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा नहीं। हो गया। वेरी गुड बागा बॉय, वेरी बेस्ट। सेठ जी के आते ही उनको जबरदस्त बधाई देंगे। अनिटू काका और सेठ जी का मुंह भी मीठा करवाएंगे। आगे सेठ जी, मुबारक हो, मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में? बिजनेस के एक्सपेंशन की खुशी में। क्या पेंशन? क्या पेंशन? नहीं सेठ जी, एक्सपेंशन, बिजनेस एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन की खुशी में मुंह मीठा कीजिए। क्या बोल रहे है भाई तू, पेंशन डाइवर क्या? नहीं नहीं, डाइवर नहीं सेठ जी, डाइवर्सिफिकेशन मतलब व्यापार का विविधीकरण। किसके व्यापार का? कौन कर रहा है विविधीकरण? आप हाँ सेठ जी, कल आपने हमें बताया था ना कि सुंदर भाई अहमदाबाद में नई दुकान खोल रहे हैं, और सुंदर भाई आपके घर के सदस्य हैं, तो सुंदर भाई की दुकान आपकी दुकान। मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान और अहमदाबाद में बाबा सूट बेबी सूट की दुकान, तो हुआ ना व्यापार का विविधीकरण। नहीं भाई नहीं, सुंदर की दुकान के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, देखा नटू काका, मैं ना कहता था सुंदर भाई की दुकान का सेठ जी के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने सुना ही नहीं। सॉरी सॉरी बागा, आई एक्सेप्ट माय फोपा। तो अब इसका क्या करें? डोंट वरी बागा, ये हम सुंदर भाई को अहमदाबाद कुरियर से भेज देंगे। अरे नहीं भाई, कुरियर से कुछ अहमदाबाद भेजने की जरूरत नहीं है, सुंदर मुंबई में ही है। अरे वाह, सुंदर भाई मुंबई आए हैं? हाँ। बागा, दुकान बढ़ाने के बाद हम सेठ जी के घर जाएंगे और सुंदर भाई को हाथों हाथ दे देंगे। अरे सुंदर अभी थोड़ी देर में दुकान में ही आ रहा है। अरे वाह, सुंदर भाई दुकान में आ रहे हैं? हाँ। क्यों, अपनी दुकान के लिए CCTV कैमरे खरीदने? नहीं भाई नहीं। तो मुझे 2 लाख की टोपी पहनाने। सुंदर दुकान में आए उससे पहले उसे टोपी पहनाने का कोई प्लान जल्दी से सोचना पड़ेगा। अंटू काका, मैं जरा गोडाउन में हूँ, थोड़ी देर मुझे डिस्टर्ब मत करना। हा? जी। कुछ भी हो जाए इस बार मैं सुंदर को 2 लाख रुपया दूंगा नहीं। क्या करूं? हाँ ये आइडिया अच्छा है। अरे मगन। जी सेठ जी। हाँ एक काम कर, दुकान में जा, नटू काका बागा को यहाँ भेज और थोड़ी देर के लिए दुकान संभाल। जी सेठ जी। मजा आएगा, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। आजा आजा सुंदर आजा, इस बार तेरी जाल में तुझे ऐसा फंसाऊंगा कि तू भी क्या उठेगा। लाया लाया बापू लाया। सेठ जी आपने बुलाया? हाँ नटू काका बागा, मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है, लेकिन मुझे बदले में ऐसा क्यों, किस लिए, ऐसे कोई सवाल नहीं चाहिए। ठीक है, आपने कह दिया तो नहीं पूछेंगे, क्यों बागा? ऑफ कोर्स नटू काका, जब सेठ जी ने हमें पहले ही कह दिया है तो हम भला क्यों पूछें? ठीक है तो ध्यान से सुनो,
समझे? समझ तो गए सेठ जी, लेकिन नहीं नहीं बागा, कोई सवाल नहीं। बट सेठ जी, नट्टू काका, बागा मैं जो कुछ कर रहा हूँ सुंदर के भले के लिए कर रहा हूँ। क्या आप लोग नहीं चाहते कि सुंदर का भला हो? नहीं नहीं, हम क्यों ऐसा चाहेंगे, हम तो चाहेंगे कि सुंदर भाई का भला हो। बस तो फिर वादा करो ना, छोड़ेंगे तुम मेरा साथ, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम दोनों रहोगे। मेरा मतलब है जैसा मैंने कहा है वैसा तुम दोनों करोगे, बिना कोई सवाल पूछे। मैं नटवरलाल प्रभाशंकर उंडाई वाला, मैं बागेश्वर दादू उंडाई वाला, आपसे वादा करते हैं कि आपके इस प्लान में आपको दिलो जान से मदद करेंगे, और अगर जान भी देनी पड़ी तो दे देंगे। अरे भाई, जान बान देने की जरूरत नहीं है, खाली जैसा मैंने कहा है वैसा आप लोग करना, बिना कोई सवाल पूछे, बस। ओके, डन। वाह बेटा वाह, मजा आ गया, तुम मजा आ गया। अरे तेरे हाथ से बना हुआ नाश्ता खाने के लिए तो अहमदाबाद से मुंबई आना भी वसूल है। ऐसा लगता है कि बहनों के हाथों में तो जादू है जादू। थैंक यू बोलता हूँ भाई। ऐसा लगता है कि खाते ही रहो खाते रहो खाते ही रहो। हाँ बराबर है भाई बेटा, तुझे तो ऐसा ही लगेगा ना। अरे मजाक कर रहा। चलो आप लोगों को मजा आया इतना बस। अच्छा मैं क्या कहता हूँ सुंदर बेटा, अभी दोपहर का खाना खाने के बाद ही जाना। आइडिया अच्छा है। अरे क्या भैलू आइडिया अच्छा है, दोपहर का खाना खाने के लिए रुक गए तो सारे काम अधूरे रह जाएंगे। बापूजी क्या है कि हमें निकलना पड़ेगा, सबसे पहले गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जीजाजी को मिलने जाना है, उसके बाद जाके बाजार में से सब खरीदी करना है, और रात को अहमदाबाद के लिए तो निकलना ही है। हाँ बराबर है वीरा, लेकिन एक दिन रुक जाता तो अच्छा रहता। चलो मेरे रुकने के लिए आराम से आऊंगा ना, अभी मुझे जाना पड़े ऐसा है। बका पहले चलो फटाफट निकलते, नहीं तो देरी हो जाएगी। चलो बापू जी निकलते। क्या भाई किसकी राह देख रहे हैं? सुंदर भाई की, अभी तक आए नहीं। सुंदर की राह देख रहे हैं क्या बावरी की? नहीं नहीं सेठ जी, बावरी जी की राह देखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो सीधा दुकान में आ ही जाती है। हाँ, बावरी तो हवा के झोंके की तरह है, हवा का झोंका कहीं भी आ जा सकता है, उसे कौन रोक सकता है। ये बवंडर। लेकिन बावरी अगर कस्टमर बनकर आए तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? काय के कस्टमर, हमेशा वो 10 रुपए का रिचार्ज कराने के बहाने आ जाती है, उसमें भी आधा घंटा टाइम पास करती है। मैं जानता नहीं हूँ दुकान में आके आधा घंटा टाइम पास क्यों करती है। आगे सुंदर भाई आ गए। सेठ जी सुंदर भाई आ रहे हैं। हाँ थोड़ा बहुत पता है ना क्या करना है, जैसा मैंने बोला वैसा ही करना। हाँ सेठ जी बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट काका, ऑल द बेस्ट। वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। अरे लीजिए मुंह मीठा कीजिए, बका हाथ लगा। ये क्यों? नए बिजनेस के नए वेंचर के लिए अभिनंदन। थैंक यू थैंक यू। ये पूरे बका संभालना। सुंदर भाई छोटा मुंह बड़ी बात, बुरा मत लगाइएगा, लेकिन मेरे बरसों के अनुभव से मैं आपको, आप नई दुकान करने वाले हैं ना, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूँ। अरे दीजिए दीजिए नटू काका, एडवाइस दीजिए, आपकी एडवाइस मेरी सर आंखों पर। आप जो भी एडवाइस दोगे मेरे धंधे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, दीजिए दीजिए। देखो सुंदर भाई, अब दुकान करेंगे तो और कुछ करो ना करो, पर काम पे जिनको भी रखो उनकी पगार हर साल बढ़ाना विदाउट फेल। क्या पार्टी, कोई कहने की बात है? हाँ, दुकान के मालिक को स्टाफ की पगार तो बढ़ानी पड़ती है। नहीं, कोई दुकान के मालिक होते हैं ऐसे जो पगार बढ़ाने में विश्वास ही नहीं करते। अरे क्या बात कर रहे हो आप, उस दुकानदार का मुझे नाम दीजिए, मैं उसको कोने में ले जाकर समझाता हूँ। वी डोंट वांट टू टेक एनी नेम, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं
कि आप अपने स्टाफ की पगार बढ़ाना। अरे क्या आप लोग सब बिना हवा के पतंग उड़ा रहे हैं नटू काका? अभी तक दुकान खुली नहीं, स्टाफ को रखा नहीं और पगार बढ़ाने की बातें हो रही है। भैंस भागोड़े ने छास छागोड़े। हाँ माय डियर जीजाजी, आप सही बता रहे। अभी हम सामान खरीदने के लिए आए तो उसी की बात करेंगे। बाकी नटू काका, मैं आपकी बात पर पूरा ध्यान दूंगा। हाँ थैंक यू। तो माय डियर जीजाजी, काम की बात पर आ जाए, वो 2 लाख का सेटिंग हो गया। हाँ वो हो गया। अभी मुझे नटू काका ने बताया आज जो हमारी एक पार्टी है खन्ना साहब, उनका 2 लाख का पेमेंट आने वाला है, तो वो मैं तुझे दे दूँ। तो फिर काम बन गया। बन गया भाई। काम बन गया। जा 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 भागा, तू पेमेंट लेके फटाफट जा। मैं? हाँ तू। नहीं सेठ जी, मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों? वो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो अरे बोल, यहाँ सब घर के ही है, बोल। हाँ भागा भाई, बिंदास बताओ 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 क्या हुआ। हाँ रात तो तेरा नसीब भी अच्छा है, खुद साक्षात सुंदर यहाँ उपस्थित है, तो तेरे प्रॉब्लम का हल यूं दे देगा। हाँ हाँ बिल्कुल, घबराओ मत, फटाक से उसका हल निकाल देंगे। बोलो बोलो। वो क्या है सेठ जी, वो जो खन्ना जी है ना, उनके मैनेजर से मैंने 20,000 रुपए एडवांस लिए हैं, तो जब तक मैं उसे वो 20,000 रुपए वापस नहीं करूंगा, तब तक वो पेमेंट देने में बहुत नाटक करेगा। तूने खन्ना साहब के मैनेजर से 20,000 उधार लिए? नटू काका ये क्या है? सेठ जी आपने ही तो बोला था। अरे बाफेंद्र, वही कह रहा हूँ कि मैंने बोला है ना कि इमरजेंसी में जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़े आप बेझिझक मुझसे मांग सकते हैं, बोला है कि नहीं? हाँ। तो फिर इसने खन्ना के मैनेजर से उधार क्यों लिया? मार्केट में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? सबको तो ऐसा ही लगेगा ना कि मैं इनको पैसा नहीं देता हूँ। सेठ जी इज राइट बागा। सॉरी गलती हो गई। वो क्या है सेठ जी, दरअसल पिछले हफ्ते ही नटू काका ने आपसे 15,000 रुपए लिए थे, फिर मैंने सोचा कि अब मैं कैसे मांगू। वाह वाह बेटा वाह, कोई बात नहीं नटू काका, अभी इसको 20,000 दे दो, ये उधर देखा है तो 2 लाख का पेमेंट मिलेगा। जाओ जाओ दो दो। हाँ जाओ जल्दी दे दो, फटाफट 2 लाख रुपए आ जाए। लेकिन सेठ जी गले में तो 1,000 रुपए है, आज सवेरे आते ही मैंने सब पैसे बैंक में जमा करवा दिए। तो कोई बात नहीं, बैंक से निकाल लो और फिर दे दो इसको 20,000। सॉरी सेठ जी, हम विड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? हमने 2-3 पार्टी को चेक दिए हैं, वो सब चेक आज ही क्लियरिंग में आने वाले हैं। ओहो अरे भाई, तूने क्यों लिए 20,000 उससे उधार? नहीं लिए होता तो अभी 2 लाख का पेमेंट आ गया होता और मैं सुंदर को दे चुका होता। अरे आप चिंता क्यों करते हो माय डियर जीजा जी, मैं हूं ना, 20,000 रुपए मैं दे दूंगा। अरे नहीं नहीं सुंदर भाई, मैं आपसे कैसे ले सकता हूँ? उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो पैसे मैं बाद में जीजा जी से ले लूंगा। हाँ ये 2 लाख का हिसाब करेंगे उसमें समझ लेंगे। नहीं नहीं माय डियर जीजा जी, वो 20,000 का हिसाब अलग रखते हैं और 2 लाख का हिसाब अलग रखते हैं, क्योंकि वो जो है वो 20,000 पर्सनल है और 2 लाख प्रोफेशनल है। 20,000 का हिसाब अलग और 2 लाख का हिसाब अलग। ओके ठीक है पहले इसको 20,000 तो दे ताकि वो पेमेंट लेके आए 2 लाख का। दे देता हूँ। ये तो 18,000 ही है। ए बका, तेरे पास पैसे पड़े? मेरे पास 40 पड़े। अरे वाह, तो बस उसी में से 20,000 रुपए दे दे, मैं तुझे बाद में दे देता हूँ। ओ सुंदर भाई, 40,000 नहीं, सिर्फ 40 रुपए पड़े। बेलू, तेरे पास कितने रुपए? आप साथ में तो मैं पैसे रखता ही किधर हूँ। ए चापली, चोर खिस्से में से निकल ना। वो तो इमरजेंसी के लिए है ना। तो ये भी इमरजेंसी ही है, हर इमरजेंसी में सायरन नहीं बजती है। 18 और ये 2,
20 हो गए। ये लीजिए बाका पैसे 20,000, जाओ जाकर 2,00,000 लेके आओ। सेठ जी ले लूं? अरे ले ले भाई, टाइम नहीं है उसके पास, उसको माल खरीदी करके वापस अहमदाबाद पहुंचना है। हाँ आप जल्दी जाइए और 2,00,000 रुपए लेके वापस आ जाइए। ठीक है, अभी गया और 2,00,000 यूं लेके आया। जल्दी जल्दी। ये हुआ नहले पे दहला। टैक्सी के जो तूने मुझसे कार्ड से दिलवाए वो मैंने रोकड़े में वसूल कर लिए। अरे सुंदर मैं क्या कहता हूँ, ये जो खन्ना साहब की ऑफिस है ना, यहाँ से बहुत दूर है, तो बागा को आते आते जरा टाइम लग जाएगा। तब तक तू एक काम कर, तो होलसेल मार्केट जा और खरीदी चालू कर दे। पर माय डियर जीजा जी, मैंने आपको बताया था ना, मुझे सब पेमेंट रोकड़े में करना है। हाँ हाँ रोकड़े में ही करना, लेकिन क्या है, टाइम का सदुपयोग करना भाई। ये बागा आएगा तब तक राह देखने की जगह पे तू जा, सब खरीदी कर, पैकिंग वैकिंग करा, सब एकदम रेडी करके रख। क्या 6 बजे तक मुझे फोन कर, तब तक बागा आ जाएगा तो मैं तुरंत उसके हाथों यह पेमेंट भिजवा दूंगा। हाँ वो भी सही है। अच्छा नटू काका, चलो मैं चलता हूँ और बाद में मैं आपकी एडवाइस फोन से लेता रहूंगा। श्योर श्योर। अच्छा तो माय डियर जीजा जी, मैं चलता हूँ और शाम को 6 बजे के आसपास आपको मैं फोन करता हूँ। और उसके पहले अगर बागा आ गया तो मैं सामने से तुझे फोन कर दूंगा। हाँ थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू, आई लव यू माय डियर जीजा जी। चलो मैं निकलता हूँ, चलो 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 जल्दी, बहुत सामान खरीदते हैं, चलो चलो। सुंदर साले मेरे, अब तेरे साथ वही होगा जो सालों से तू मेरे साथ करते आ रहा है। दुकान तो एकदम बढ़िया है, मस्त दुकान है। वाह भाई वाह, आपकी दुकान तो एकदम बढ़िया है और दुकान का नाम भी एकदम मस्त है, स्टॉप एंड शॉप, थोबो और खरीदो। थैंक यू थैंक यू। वैसे दुकान अगर अच्छी हो ना तभी कस्टमर माल खरीदने आते, जैसे कि आप आ गए। हाँ सही बात है, रेपर एकदम बढ़िया होना चाहिए, फिर प्रोडक्ट कुछ भी हो। हमारी दुकान जितनी अच्छी है ना सर, उतने ही अच्छी क्वालिटी के कपड़े यहाँ पर मिलते हैं। अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, अच्छी दुकान है इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, अच्छी चीजें लेने के लिए। देखिए अरे मुन्ना। हाँ सेठ जी। जरा कपड़े दिखाना इनको। हाँ तो बच्चों की दुकान में माल दिखाने के लिए भी मुन्ना ही रखा है। सर बचपन में उसके मम्मी पापा के लिए वो प्यारा मुन्ना था, लेकिन बड़ा होने के बाद सबके लिए वो मुन्ना ही रह गया। हाँ अब सेठ का दुलारा मुन्ना है क्यों। हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ बागा, सब प्लान के मुताबिक कर रहा है ना। हाँ सेठ जी एग्जैक्टली प्लान के मुताबिक ही कर रहा हूँ, काम हो गया है सेठ जी। क्या बात, चल मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है सेठ जी। तब आएगा मजा जब सुंदर मुझे फोन करेगा। ये आपका सारा सामान पैक हो गया, अब पेमेंट। अरे अभी एकदम रोकड़े से ही तुरंत दान महापुन, एक बेटा अभी करवा देता हूँ। आया सुंदर का फोन आया, लेकिन मैं अभी उठाऊंगा नहीं। माय डियर जीजा जी फोन क्यों नहीं उठा रहे। ह
हाँ बोल सुंदर। हेलो हेलो माय डियर जीजाजी, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे वो मैं दूसरे फोन में, मतलब दुकान के फोन में बात कर रहा था। बोल बोल। कोई बात नहीं माय डियर जीजाजी, वो क्या है कि मैंने सब माल पैक करवा दिया है और अभी पेमेंट करना है, तो आप बागा को पेमेंट के साथ भेज दो ना। थोड़ी देर लगेगी सुंदर। क्यों? अरे वो खन्ना साहब का मैनेजर जिससे पेमेंट मिलने वाला था ना, वो कहीं बाहर गया हुआ है, तो बस उसके पहुंचते ही वो पेमेंट दे देगा और मैं तुरंत बाका को भेज दूंगा। तो और कितना टाइम लगेगा? मुझे लगता है अभी 6 बज रहे हैं ना, तो 7 बजे तक आ जाएगा बाका। एक और घंटा? हाँ बस एक और घंटा। तो एक काम करना ना माय डियर जीजाजी, अगर शायद वो एक घंटे के अंदर आ जाए ना, तो आप सामने से मुझे फोन करके बता देना। प्लीज प्लीज। हाँ जरूर जरूर। थैंक यू माय डियर जीजाजी, थैंक यू। ओके, एक घंटे में आपका पेमेंट हो जाएगा। ओके ठीक है जी, ठीक है। जीजाजी से बात हो गई, एक घंटे में पेमेंट हो जाएगा, फिर सामान लेकर सीधे। अरे भाई सुंदर भाई, 7 बज गए, जीजा जी को फोन तो करो। आपने एक घंटे में पेमेंट देने के लिए कहा था, क्या हुआ? हाँ पेमेंट दीजिए, देखिए मुझे दूसरे भी काम है। हाय हो जाएगा, अभी आपका पेमेंट हो जाएगा, मैं फोन करता हूँ, फटाफट पेमेंट आ जाएगा। बोल सुंदर। हेलो माय डियर जीजाजी, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। हेलो हेलो जीजाजी, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। अरे आवाज नहीं आ रही है, जरा जोर से बोल। अरे माय डियर जीजाजी, मैं सुंदर बोल रहा हूँ, और इससे ऊंचा बोलूंगा तो मेरी स्वर पेटी बाहर आ जाएगी। हाँ बोल। अरे माय डियर जीजाजी, 2 लाख का क्या हुआ? 2 लाख? किसने मारी तुझे? अरे माय डियर जीजाजी, 2 लाख नहीं, 2 लाख, 2 लाख रुपए का क्या हुआ? बाघा आया? नहीं नहीं वो अभी तक नहीं आया भाई। है? अभी तक नहीं आया? अरे नहीं, वो खन्ना साहब का मैनेजर कब से बोल रहे पहुंच रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा। मुझे लगता है अभी काफी देर हो गई, तो अभी बस पहुंच ही रहा होगा, तो पहुंचते ही वो पेमेंट दे देगा और फटाफट बाघा तेरे पास आ जाएगा। अरे माय डियर जीजाजी, आप तो बता रहे थे कि खन्ना साहब की दुकान तो बहुत दूर है, और बाघा वहाँ से कब निकलेगा और कब यहाँ पे आएगा? मुझे लगता है 1 और घंटे में बाघा पक्का तेरे पास पहुँच जाएगा। 1 और घंटा? इतनी रात देखी है तो 1 घंटा और सही। धीरे धीरे जरा। अरे भाई वहाँ टावर नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं जोर से बात कर रहा हूँ, बाकी मेरी आवाज नीची ही है। अरे भाई डियर जीजाजी, मैंने यहाँ माल सब पैक करवा लिया है, और जिनसे माल लिया है वो दुकानदार भी कब से मेरे पास से पैसे मांग रहे हैं। अरे समझ सकता हूँ, लेकिन तू उनको भी समझाना भाई कि भाई इतनी रात देखी है, थोड़ी देर और सही, पैसे मिल जाएंगे। तो 1 घंटे के बाद पैसे मिल जाएंगे ना? हाँ पक्का पक्का। थैंक यू माय डियर जीजाजी, थैंक यू। ओके भाई, 1 घंटे में फोन आप काट चुके हैं। तू खा। अरे भाई 8 बज गए, कब मिलेगा पेमेंट? पाँव में। अरे ये लोग बोल रहे हैं कि 5 मिनट में आपको आपका पेमेंट मिल जाएगा। हाँ एक मिनट, मैं अभी फोन करता हूँ, तुरंत पेमेंट आ जाएगा। 1 मिनट। हाँ बोल सुंदर। हेलो हेलो माय डियर जीजाजी, बाघा को पैसे मिले कि नहीं? अरे नहीं भाई, अभी तक नहीं मिले। अरे क्या बात कर रहे हो माय डियर जीजाजी, 6 के 8 बज गए, तो जिसके पास से मैंने माल लिया है उसको मैं क्या जवाब दूँ? तुम तो एक काम कर, मैं अभी बाका को फोन करके वापस 2 मिनट में तुझे फोन करता हूँ, ठीक है? अरे जल्दी जल्दी करो यार, इज्जत का जनाजा निकल जाएगा माय डियर जीजाजी, जल्दी करो। मिल जाएगा आपको आपका पेमेंट, मिल जाएगा। शांति रख रहे हैं थोड़ी बार, लोहे पीजो कचाड़ कचाड़ कचाड़। 5 मिनट के बाद चले जाना, ठीक है? अरे भाई आपका आदमी पैसा लेकर आएगा या नहीं? आएगा, अभी 5 मिनट में वो इंसान आ ही जाएगा भाई, थोड़ा धर्मपत रखो। सुंदर भाई एक बात बताऊ, यहाँ ही गद्दा लगा दो। मगर मैं गोदा वागे चलते ना, तेरे गादला उजे लोग बारिश ना माप। 1 मिनट भाई, आपका पेमेंट हो जाएगा, 1 मिनट।
बोल सुंदर। हेलो जीजा जी, कुछ बात हुई? हाँ बाबा से बात हुई, तो वो खन्ना साहब का मैनेजर तो पहुंच रहा हूँ खाली बोल रहा है, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा वहाँ दुकान पे। तो अभी अभी उसके भरोसे रहने का कोई मतलब नहीं है, मैं कोई दूसरा जुगाड़ करता हूँ। तो एक काम कर, तू जो माल खरीदे है ना वो लेकर स्टेशन पहुँच। ओके। और वो दुकान के एक आदमी को भी स्टेशन तक साथ में ले ले, बोल पैसे वहाँ स्टेशन पर मिल जाएंगे। अच्छा, पर जीता जी उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे गड़बड़ कैसे होगी सुंदर, मैं खुद आ रहा हूँ तुझे विदा करने। ओके ओके भाई डियर जीता जी, हो गया आपके पेमेंट का बंदोबस्त हो गया है। देखो सब बंदोबस्त हो गया है। एक काम करो, सबसे पहले आप यह सब सामान के साथ आपके एक इंसान को मेरे साथ रेलवे स्टेशन भेजना है, वहाँ पे पेमेंट रेडी है। जैसे आपका इंसान मेरे इंसान को सामान देगा, मेरा इंसान आपके इंसान को पेमेंट दे देगा। पेमेंट क्लियर? ओके। लेकिन अगर पेमेंट नहीं मिला तो ये सब सामान, ये सब माल मैं वापस ले लूंगा बस। और पेमेंट मिल गया तो क्या डबल माल दोगे? बचा कर रहा हूँ बचा। देख भाई मुन्ना, हाँ इनके साथ जाना और पेमेंट मिलने के बाद ही सामान देना, ठीक है? ठीक है सेठ जी। माय डियर जीजा जी, कहाँ रुक गए आप? ये यार कितने बजा दिए माय डियर जीजा जी ने, अब तक तो आ जाना चाहिए था उनको। ओ भाई साहब, आप मुझे रेलवे स्टेशन तक तो ले आए, अब जल्दी पेमेंट कर दो। अरे भाई आपका पेमेंट हो जाएगा, बस सिर्फ 5 मिनट के लिए आप रुक जाओ बस। आप 4 घंटे से बोल रहे हो, 5 मिनट कम मिलेगा। अरे सुंदर भाई ने बोला ना पेमेंट मिल जाएगा तो मिल जाएगा। हेलो, अब अपने व्यापारी बने धीरे। ए आगे आगे जीजा जी आगे। पैसे लेके तो आप आने वाले थे ना? हाँ नहीं, मैं ही लाने वाला था, लेकिन फिर बागा से बात हो गई और सारी व्यवस्था हो गई है, वो 5 मिनट में बस पहुंच ही रहा होगा। अरे कब से आप 5 मिनट बोल रहे थे, अब ये भी 5 मिनट बोल रहे हैं, अब बहुत हो गया, अब मैं अपना माल वापस लेकर जा रहा हूँ। भाई रुको ना भाई, इतनी देर रुको तो 5 मिनट और से। अरे माय डियर जीजा जी, फटाफट बागा भाई को फोन लगाया ना, पूछे ना वो कहाँ पहुँचे। अरे मैंने अभी 5 मिनट पहले उससे बात की, उसने बोला कि 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। अरे जीजा जी मैं ही फोन लगा देता हूँ, ये सब मारा मारी चल रही है। और अब माय डियर जीजा जी, इनका फोन तो बिजी आ रहा है। अच्छा हाँ देखो, हाँ बिजी आ रहा है, अभी किससे बात कर रहा होगा? अरे मुझे क्या मालूम। वाह वाह मजा आ रहा है मुझे। आ गए बागा भाई, आ गए। बागा भाई कहाँ है आप? अरे बावरी जी ने भी आपका इंतजार नहीं किया होगा, उससे भी ज्यादा इंतजार आज मैंने आपका किया है। सुंदर भाई, वो बड़े सयाने कह गए हैं ना, लंबे इंतजार के बाद जब मिलन की घड़ी आती है तो वो बहुत ही आनंद देती है। हाँ सुंदर भाई, बागा भाई सही कह रहे हैं, वो शराबी पिक्चर में लंबे इंतजार के बाद दया प्रधान जी आए थे, तभी अमिताभ बच्चन साहब खुश हुए थे और खुशी से गा उठे। गम के अंधेरे डले, बुझ के सितारे जले, देखा जो तुझे दिल में जान आई, छा गई फिर वही बेखुदी। ला ला ला, अरे भाई रिमोट तो बंद कर, ये तो ला ला ला। बका बका बका, अरे कुदूड़ो नाटा। ला 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 ला। सेठ जी दे दू? हाँ दे दे दे, ये लीजिए सुंदर भाई। ये इतना पतला क्यों है? 50,000 की नोट बाजार में आ गए? नहीं तो फिर इसमें क्या है? इसमें पैसे तो नहीं है? हाँ पैसा नहीं है, इसमें ट्रेन की टिकट है तेरी और ये 3 की, मुंबई से अहमदाबाद। ओ भाई साहब, लेकिन मैं इनके साथ अहमदाबाद क्यों जाऊंगा?
अरे भाई क्या 2 लाख का जो मुझे बंदोबस्त करना था वो हो नहीं पाया, पर सुंदर भाई के घर में वहाँ अहमदाबाद में 2 लाख रेडी पड़े हैं। मतलब जिस बैग में उन्होंने रखे वो बैग गलती से वो अहमदाबाद में ही भूल गए, वो मुंबई लाने वाले थे, तो जैसे तुम उसके साथ जाओगे हाथों हाथ तुमको 2 लाख रुपए दे देंगे और कल के कल दूसरी ट्रेन में तुम वापस मुंबई आ जाना। अरे भगा इसमें इनकी रिटर्न टिकट भी है ना? नहीं नहीं सेठ जी वो यहाँ है, ये लीजिए। हाँ, ये लो ये तुम्हारी रिटर्न टिकट है कल के वापस आने की। हाँ अरे पर वो ये 2000 भी रखो चाय पानी का, और ये 2000 सिर्फ तुम्हारे लिए है, इनका ये लोग देख लेंगे। हाँ लो। अरे मैं ऐसे अहमदाबाद नहीं जा सकता, रुकिए पहले अपने सेठ जी से पूछ लेता हूँ। आप पूछ लो। हाँ सेठ जी, ठीक है सेठ जी, ठीक है सेठ जी ने बोला है कि मैं अहमदाबाद जा सकता हूँ। शाबाश, लो लो चलो भाई। ए, एक मिनट जीजा जी ये सब क्या है? अरे माय डियर बोलना भूल गया है? जीजा जी के पहले हर बार तो माय डियर बोलते हैं ना, इस बार खाली जीजा जी निकला। माय डियर जीजा जी ये सब क्या है? समझा था क्या हुआ, मुझसे भी 2 लाख का इंतजाम नहीं हुआ और खन्ना साहब का मैनेजर ने भी लटका दिया, तो मैंने सोचा तू एक नई बढ़िया चीज शुरू करने जा रहा है, अभी धंधे की शुरुआत में ही अगर खरीदा हुआ माल वापस देना पड़े तो अपशगुन कहलाता है ना, इसलिए मैंने ये सब सेटिंग किया। इससे क्या होगा कि इनको इनके पैसे मिल जाएंगे, तुझे अपना माल मिल जाएगा और मेरे 2 लाख बच जाए। वाह माय डियर जीजा जी वाह, 2 लाख तो नहीं दिए, 20,000 लेके टैक्सी का भाड़ा भी वसूल कर लिया और ट्रेन की टिकट भी उसी में से करवा दी और मुन्नू को मेरे ही 2,000 देके सेटिंग कर ली। वाह, पूरी दुनिया को टोपी पहनाने वाले सुंदरलाल को आज पहली बार किसी ने टोपी पहनाई है। क्यों, क्या सोचा था हर बार की तरह इस बार भी मुझे आंटी में ले लेगा? अरे भाई हर शेर पे 1.25 शेर होता है और हर नेले पे दहला होता है। मान गए माय डियर जीजा जी, मान गए। वाह माय डियर जीजा जी वाह, आपने तो मस्त सेटिंग कर दिया सब है ना, मानना पड़ेगा आपको। हाँ तो चलो भी निकल, कहीं ट्रेन छूट ना जाए। बका भैलू तुम लोग जाओ प्लेटफॉर्म पे सब माल सामान पहुंचा दो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। जी सुंदर भाई। और बका तू भी कुछ टैक्सी रिक्शा जो भी मिले जरा रोक। जी सेठ जी। अच्छा सुंदर भाई चलता हूँ। बोली तो सुंदर कैसे लगी सेटिंग, बराबर ना? अरे एकदम बढ़िया सेटिंग, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतनी बढ़िया सेटिंग कर सकते हो। ये तो कुछ भी नहीं है भाई, किसी दिन तेरे पास फुर्सत हो ना तो साथ में शतरंज खेलेंगे। शतरंज खेलना आता है ना? हाँ हाँ आता है ना, बढ़िया शतरंज खेलना आता है। अरे मुझे तो ऐसा था कि मुझसे बढ़िया शतरंज खेलना किसी को आता ही नहीं है। अच्छा, पर आज आपने मेरा भ्रम तोड़ दिया जीजा जी। वेल प्लेड जीजा जी, वेल प्लेड। मेरा क्या, मैं जब भी शतरंज खेलने बैठता हूँ ना तो क्या छोटे छोटे प्यादे ऊंट हाथी इन पे मेरी नजर जाती ही नहीं है, मेरा लक्ष्य सीधा राजा पे जाता है, खटाक करके उड़ा देता हूँ। माय डियर जीजा जी, जब शतरंज में कोई मेरे राजा को उड़ा देता है ना तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। अच्छा क्यों भला? क्योंकि मेरे राजा को उड़ाने के बाद उसका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाता है और दूसरी ही गेम में उसके ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा उठा के मैं यूं ही जीत जाता हूँ। तू नहीं सुधरेगा? नहीं बिल्कुल नहीं साला किसका। चलिए माय डियर जीजा जी चलता हूँ। ओके संभल के जाना। जी जीजा जी बाय। माय डियर जीजा जी इस बार बहुत ही मजा आया और अगली बार इससे भी ज्यादा मजा करेंगे, तैयार है ना? आओ जो तैयार तो रहना ही पड़ेगा ना बेटम जी, क्योंकि मुझे पता है ये हार तुझे आसानी से हजम होने वाली है नहीं,
लेकिन बेटा आज तो मैंने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, मेन पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त।